जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह खुद बीजेपी का संकल्प पत्र रिलीज करने जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों से 25 बड़े वादे किए। बीजेपी ने वादा किया है कि घर की एक महिला को 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल 2 LPG सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। 5 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। इन सबके साथ अमित शाह ने आज साफ साफ कहा है कि कोई कुछ भी कर ले, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं होगी। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है। वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से 2 झंडे प्रस्तापित करेंगे। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हा या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है। मगर मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल में चुनाव प्रचार किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो इरादे जाहिर किए वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक का मामला है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हो या फिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बात सही है कि जिस असेंबली के लिए वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ये वो असेंबली नहीं जिसे वो चाहते हैं, लेकिन उसका रास्ता यहीं से निकलेगा। मैं सिर्फ इस बात पर नहीं जाता हूं कि हमने क्या किया है इसलिए हमें वोट दो, हम ये कह के वोट मांगते हैं कि हमारे इरादे क्या है, हमारे वादे क्या है, हमारा मंशूर क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं आपके लिए, जिससे कि ये तबाही और बर्बादी जो है इससे हम ऊपर उठें। जहां हम सियासी बात करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे का हो, चाहे वो रियासत का दर्जा वापस हासिल करने का हो, मैं भी मानता हूं कि जिस असेंबली के लिए हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन ये असेंबली जरिया बनेगा उस असेंबली को हासिल करने के लिए जो असेंबली हमारा हक है। इस असेंबली के जरिए हम बाकी दुनिया को पैगाम भेजना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो हमें काबिले कबूल नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों को कांग्रेस में मेंबरशिप दिलाई। वहीं राजनीतिक सफर शुरू करने के पहले विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया है और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए फोगाट ने कहा कि रेलवे का सफर उनके लिए यादगार रहा। कांग्रेस में शामिल होते ही विनेश फोगाट ने कहा कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ उनका साथ दिया, इसलिए वो कांग्रेस में शामिल हुई है। बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। ताकि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है, ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है, हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है,
कांग्रेस पार्टी ने, हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। उन्होंने उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है, तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा, क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी। बिल्कुल गणेश जी, मायका या ससुराल किसको चुनेंगे आप? मायका या ससुराल, दोनों सीटें आपके लिए कही जा रही है दोनों? एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्मभूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बजरंग पुनिया ने कहा कि जब विनेश का ओलंपिक मेडल हाथ से निकला तो बीजेपी वाले सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए देश के लोगों को सोचना चाहिए कि जो पार्टी पहलवानों, किसानों और महिलाओं के खिलाफ है उसको सपोर्ट देना ठीक है या नहीं। जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ, लेकिन अगले दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था, लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर उनकी साथी साक्षी मलिक ने ही सवाल उठा दिया। साक्षी मलिक जंतर मंतर के आंदोलन में विनेश और बजरंग के साथ रही थी। साक्षी मलिक ने कहा, विनेश और बजरंग पुनिया ने अपनी निजी हैसियत से फैसला लिया, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया। साक्षी मलिक ने कहा कि वो रेसलिंग फेडरेशन में सुधार की लड़ाई जारी रखेंगी। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए, और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। मैं, मेरी सिर्फ लड़ाई एक ही आदमी से थी, वो ब्रजभूषण है, कि उसने बहन बेटियों का शोषण किया था, तो लड़ाई मेरी उसी तक है। मेरी किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत रूप से ना कोई जुड़ाव है ना कोई द्वेष है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। ब्रजभूषण ने गोंडा में कहा कि सच सबके सामने आ गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस दिन से जंतर मंतर पर उनके खिलाफ रेसलर्स का आंदोलन शुरू हुआ, उसी दिन से वो कह रहे हैं कि ये भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा की साजिश है, और आज उनकी बात सच साबित होगी। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कुछ बोले, हम बोल नहीं रहे, क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था, ये खड़ी कांग्रेस का है, ये खड़ी दीपेंद्र हुड्डा का है, ये खड़ी भूपेंद्र हुड्डा का है, मैंने बोल दिया था, आज देश बोल रहा है, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोल रहा है। बजरंग और विनेश के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा है कि पहलवानों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी, ये तो पहले ही दिन से क्लियर था। अनिल विज ने कहा कि विनेश फोगाट अब तक देश की बेटी थी, लेकिन अब वो कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं, तो भला बीजेपी को क्या एतराज हो सकता है। पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता। अगर वो देश की बेटी से, कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है, तो हमें क्या एतराज है। कांग्रेस नेता और रेसलर बजरंग पुनिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह और अनिल विज पर साधा निशाना। बजरंग ने कहा कि जब वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, तब उन्होंने बीजेपी की महिला सांसदों को चिट्ठी लिखी थी और सपोर्ट मांगा था, लेकिन तब बीजेपी के लोग साथ नहीं खड़े हुए। बजरंग पुनिया ने कहा कि तब कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल उनका सपोर्ट कर रहे थे और बीजेपी उनको बदनाम करने का कैंपेन चला रही थी, इसलिए वो कांग्रेस में आए ताकि इंसाफ की लड़ाई को जारी रख सके। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए।
तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टियां हमारे साथ खड़ी थी। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे।